प्रभु श्री राम अपने शरण में आने वाले हर भक्त की मुराद करते हैं पूरी। इस धाम में भगवान राम की हृदय स्पर्शी प्रतिमा स्थापित है। यहाँ प्रभु राम के अनेकों रहस्यों से पर्दा उठता है। भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी के दुर्लभ रूप के दर्शन भी कालाराम मंदिर में होते हैं, जहाँ उन्हें सिंदूर चढ़ाने की सख्त मनाही है। काले पाषाण से बने भगवान राम के इस धाम की महिमा निराली है। ये मंदिर देखने में जितना आकर्षक लगता है, इससे जुड़ा इतिहास भी उतना ही रोचक है। मंदिर में पूजा आराधना करने वाले की झोली कभी खाली नहीं रहती। मंदिर का आधुनिक इतिहास बताता है कि मंदिर का निर्माण नागर शैली में करवाया गया। मंदिर में सह्याद्री के कठोर शैल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। मंदिर के वास्तुकला के साथ साथ मंदिर में की गई बारीक नक्काशी आंखों को मोह लेती है। नासिक के इस रामधाम का संबंध रामायण काल से है, लेकिन मंदिर का निर्माण और उसके काल के बारे में जो इतिहास कहता है वो ये है कि इस मंदिर को आज से करीब 250 साल पहले बनवाया गया था। कहते हैं साल 1782 में इस मंदिर के निर्माण का काम शुरू हुआ और 6 साल बाद 1788 के आसपास इस मंदिर का काम खत्म हुआ और मंदिर बनकर तैयार हुआ। चौहत्तर मीटर लंबे, 32 मीटर चौड़े इस धाम का निर्माण पेशवा के सरदार रंगराव ओढेकर ने करवाया था। ये जो मंदिर है, ये पहले आप जानते थे सभी लोग कि 1771 में पेशवाओं के सरदार थे रंगराव ओढेकर, इन्होंने ये मंदिर का जीर्णोद्धार किया है और बहुत सारी विशेषताएं इस मंदिर में छुपी हुई है। और बनाते समय इसका ध्यान रखा गया कि कम से कम ये 1000 साल ये मंदिर चले, तो इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। राम विष्णु अवतारी हैं, आदि हैं, अनंत हैं, अजन्य हैं, इसीलिए मंदिर की चारों दिशाओं में चार दरवाजे हैं जो चार वर्ण और चार अवस्था को दर्शाते हैं। मंदिर के आधार से कलश तक की ऊंचाई करीब 59 फीट है। मंदिर के शिखर पर लगा कलश 32 टन शुद्ध सोने से निर्मित करवाया गया है। पूर्व महाद्वार से प्रवेश करने पर भव्य सभा मंडप नजर आता है, जिसकी ऊंचाई 12 फीट के करीब है। कहते हैं कि आज से करीब 250 साल पहले इस मंदिर को बनवाने में करीब करीब 23 लाख रुपयों का खर्च आया था। कहा यह भी जाता है कि यह मंदिर पर्णकुटी स्थान पर बनवाया गया, जहां पूर्व में नाथपंथी साधु रहते थे। इन्हीं साधुओं को अरुणा वरुणा नदी के तट पर प्रभु की मूर्ति प्राप्त हुई थी और उन्होंने इसे लकड़ी के मंदिर में विराजित किया था। लकड़ी के उसी मंदिर की जगह बाद में माधवराव पेशवा की मातोश्री गोपिकाबाई के निर्देश पर पेशवा के सरदार रंगराव ओडेकर ने इस भव्य दिव्य और सुंदरतम मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर के चारों ओर भगवान विट्ठल और भगवान गणेश को समर्पित मंदिरों के दर्शन किए जा सकते हैं। कहते हैं कि इस देव स्थान को बनाने में करीब 2000 शिल्पियों का सहयोग लिया गया था, जबकि मंदिर के निर्माण के लिए लगने वाले काले पत्थरों को राम सेज की पहाड़ी से मंगवाया गया था। गोदावरी के तट के किनारे यहाँ कपालेश्वर शिव मंदिर भी दिखता है, इसीलिए इस क्षेत्र को हरिहर क्षेत्र की तरह पवित्र और पावन माना जाता है। भगवान राम के इस मंदिर के बारे में भक्तों की मान्यता ये भी है कि इस दरबार में आने से, पूजा अर्चना करने से, उपासना करने से कुंडली में काल सर्प दोष खत्म हो जाता है।